वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी। शिव कंसल्टेंसी एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है जो हाउसिंग सोसाइटीज़ को और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जितने भी हमारे नए दर्शक हैं उनको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी हमारे वीडियोज़ आते रहते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे और आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। तो आज हमारा नया सीरीज़ शुरू होने जा रहा है। पहला हमारा जो दूसरा सीरीज़ है वो है हाउसिंग सोसाइटीज़ का, और ये नया सीरीज़ है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम इम्प्लीमेंट होती है तो उसके लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ये नया सीरीज़ है। तो इसमें बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो इसको शॉर्ट में QMS कहा जाता है, जो कलेक्शन है बिजनेस प्रोसेसेस का, जो फोकस करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पे और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाने पे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्कोप है और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है उसको अलाइन करके ऑर्गेनाइजेशन का गोल, उसके पॉलिसीज, उसकी प्रोसेसेस और जो भी डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन है या उसके पास जितने भी रिसोर्स है इसको यूज़ करके इम्प्लीमेंट करता है और उसको मेंटेन रखता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखने जाएंगे QMS का, तो पहले के ज़माने में ह्यूज प्रोडक्शन नहीं होता था, एकदम ही स्मॉल प्रोडक्शन होता था। जैसे कि कोई लोहार है या कारपेंटर्स है या फार्मर्स है या अगर हम कहेंगे कुम्हार लोग, तो ये सारे लोग जो है वो जितने भी लोग थे, छोटे छोटे गांव थे, तो जितने भी लोग थे उनकी रिक्वायरमेंट भी छोटी छोटी होती थी। तो उसको उसका जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन जो है एकदम ही स्मॉल लेवल पे रहता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों की मतलब शहर जो है डेवलप होते गए, रिक्वायरमेंट्स लोगों की बढ़ने लगी, तो जब ह्यूज प्रोडक्शन की कंसेप्ट आई तो उसमें वो उस क्वालिटी को मेंटेन रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग होने लगा। तो इसमें ही कुछ अपने पायनियर्स है जिन्होंने क्या किया कि जितने भी लिमिटेशंस आ रहे हैं उसको जो है मींस क्वालिटी डिपार्टमेंट का इन्वेंशन वहाँ से किया, और जितना भी ह्यूज प्रोडक्शन में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी जो है क्वालिटी का चेकिंग करना और टाइम टू टाइम उसमें से डिफेक्ट ढूंढना और उसको कंप्लाई करना और लोगों तक, जो भी कस्टमर्स है उन तक अच्छी जो है प्रोडक्ट्स को पहुँचाना, ये सब काम शुरू हो जाने लगा। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसको ISO 9000 का जो सीरीज़ दिया गया है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए कस्टमर हमेशा उसका सेटिस्फैक्शन जो लेवल है उसको इंक्रीज करने के लिए और उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं। तो इसमें अगर आप इसमें से सर्टिफाइड हो जाते हो या अगर आपको आपके बिज़नेस को ग्रो करना है या आपको मार्केट में आपकी जो बिज़नेस है उसकी कंसेप्ट पहुँचानी है, एक्सपोर्ट लेवल पे आपको डील करने हैं या आपको नए नए कस्टमर्स तक पहुँचना है, तो इसमें से ये सर्टिफाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। ISO 9001 इसका बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें अगर आप सर्टिफाइड हो जाते हो तो आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करने लगता है और इवन जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करते करते आप एक अलग मुकाम पर पहुँच जाते हैं। तो ये 9000 जो सीरीज़ है ये बेसिकली 7 मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है क्वालिटीज़ के उस पर ही बेस रहते हैं। फर्स्ट रहता है इसका कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है और उसको रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लीटली फुलफिल करने पे फोकस। सेकेंड रहता है लीडरशिप। थर्ड अगर हम देखेंगे तो प्रोसेस अप्रोच है। फोर्थ है एंगेजमेंट ऑफ पीपल्स। फिफ्थ है इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रोसेस, इम्प्रूवमेंट इन द बिजनेस। सिक्स है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कोई भी वर्बल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हर एक चीज़ का एविडेंस उसी पे डिसीजन दिए जाते हैं। और सेवन्थ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लायर के साथ रिलेशंस, कस्टमर के साथ रिलेशंस, जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे उनके साथ रिलेशंस। तो ये सारे जो 7 QMPs है इसी को फोकस करके आगे मूव होता रहता है। तो इसमें प्रोसेस जो भी है तो टोटल यहाँ पे मैंने 11 प्रोसेस बताई है। तो फर्स्ट रहता है ऑर्डरिंग प्रोसेस, कस्टमर से ऑर्डर आने के बाद जो भी प्रोसेस है वो उसमें कवर होती है। प्रोडक्शन प्लान रहता है,
प्रोडक्ट की या प्रोसेस की या फिर सर्विस के जितने भी मेजरमेंट्स है उसको स्पेसिफिक जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई करने के लिए जितने भी प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है उसको यहाँ पे कवर किया जाता है। फोर्थ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रहता है। फिफ्थ है कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट का या फिर मशीन का। सिक्स्थ होता है इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, सप्लायर ऑडिट और कस्टमर के अगर आपके यहाँ पे ऑडिट हो रहे तो उसको भी यहाँ पे कवर किया जाता है। सेवन्थ रहता है करेक्टिव एक्शंस। एट रहता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द प्रोसेसेस। नाइन्थ होता है आइडेंटिफिकेशन, मशीन के आइडेंटिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंट के आइडेंटिफिकेशन, जगह के आइडेंटिफिकेशन और उसका लेबलिंग। टेंथ रहता है कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट टू प्रिवेंट इट्स इनएडिवेंट यूज, डिलीवरी और प्रोसेसिंग। और इलेवन जो होता है वो परचेसिंग की सारी प्रोसेस और सप्लायर का जो भी परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना। ये सारे प्रोसेसेस है जो इसमें कवर होते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फ्लो होती है PDCA साइकिल पे। पी मीन्स प्लान, प्लानिंग। कोई ऑर्गेनाइजेशंस उसको टाइमलाइन के बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, रोड मैप्स बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसकी है प्लानिंग। सेकंड स्टेप इसकी है डू। डू मीन्स इम्प्लीमेंटेशन। उसमें रिकॉर्ड जनरेट होते हैं, आप रोज़मर्रा के जितने भी रेगुलर एक्टिविटीज़ प्रोसीजर्स बनाई जाती है और उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन। थर्ड होता है इसमें चेक। चेक मीन्स चेकलिस्ट, एनालिसिस, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं इसको मॉनिटर करना, इसको चेकिंग करना पीरियडिकली, हो सकता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सिक्स मंथली, उसको मॉनिटर करो। और फोर्थ इसका स्टेप है एक्शन। एक्शन मीन्स इमीडिएट एक्शन, करेक्टिव एक्शन, या फिर अगर कुछ रॉन्ग हो जाएगा तो उसको आप इमीडिएट जो भी एक्शन प्लान बनाएंगे। तो ये पूरा जो है साइकिल घूमता रहता है। एक कंप्लीट हो जाने के बाद मीन्स एक प्रोसेस हो जाने के बाद वापस ये PDCA ऐसे ही घूमता रहता है। तो इसमें नेक्स्ट कंटेंट देखने जाएंगे तो कंटेंट इसमें 10 क्लॉजेस में कवर किया गया है। पहले का जो ISO 9000 का सीरीज़ था उसमें बहुत सारे क्लॉजेस थे और इसमें एडिशन होते होते इसका स्टार्ट हुआ है 1987 से, फिर उसमें सेकेंड जो एडिशन हुआ वो 1994 में, इसका थर्ड एडिशन आया था 2000 में, फोर्थ आया था 2008 में, और अभी का लेटेस्ट जो इसका एडिशन है 2015। तो इसके बेसिस पे अभी 10 सेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं जो 10 क्लॉजेस के बेसिस पे कवर होता है। तो फर्स्ट इसमें कवर होता है स्कोप, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्कोप है वो। सेकंड इसमें नॉर्मेटिव रेफरेंसेस होता है। थर्ड टर्म्स एंड डेफिनेशंस, किसको क्या कहा जाता है, किसको क्या कहा जाता है और बाकी के टर्म्स यहाँ पे कवर होते हैं। फोर्थ होता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ है लीडरशिप। सिक्स होता है प्लानिंग। सेवन्थ है सपोर्ट, जितने भी सपोर्ट डिपार्टमेंट से इसको यहाँ पे कवर किया जाता है। एट रहता है ऑपरेशन। नाइन्थ होता है परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन और टेंथ है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो पूरा जो स्टैंडर्ड है इसको इस 10 क्लॉजेस में कवर किया गया है। तो इसमें फर्स्ट से लेके थर्ड तक सिर्फ जो है वो स्कोप या फिर जस्ट रेफरेंस के लिए रहता है, लेकिन एक्चुअल काम जो शुरू होता है वो फोर्थ से लेके टेंथ तक। तो पूरे बिजनेस की जो भी कंसेप्ट है या जितने भी प्रोसेस है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है या कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स है, इसको एक फोर्थ से लेकर टेंथ तक ही पूरा कवर किया जाता है। इसका एविडेंस बेस पे चेकिंग किया जाता है, इसको ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे जो भी वर्कशीट्स बनाए हैं कंपनीज ने, इसको इवेल्युएट किया जाता है, उसका एनालिसिस करके अगर कुछ भी गैप्स है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं और इसको कंटिन्यू रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या प्लानिंग है, फोरकास्टिंग है, उसको भी यहाँ पे कवर किया जाता है। तो बेसिकली ये कंटेंट जो है वो 10 क्लॉजेस में है, लेकिन वर्किंग जो क्लॉजेस है वो 4 से लेके 10 तक है। अभी ऑडिट। ऑडिट इसमें दो टाइप का है। एक है एक्सटर्नल ऑडिट। फर्स्ट यहाँ पे एक्चुअली इंटरनल ऑडिट से स्टार्ट होता है। जो भी कंपनी ने अगर किसी कंसल्टेंसी फर्म को चूज़ किया है आपने, तो इसमें इंटरनल ऑडिट जो है पहला कंसल्टेंट करता है या फिर सर्टिफिकेशन बॉडीज़ है जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को भेज के अपने सर्टिफाइड करवा सकते हो, तो ये लोग जो है वो पहले ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट करते हैं, जिसमें वो गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं,
क्लॉजेस का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखते हैं, और उसके बेसिस पे कुछ नॉन कन्फर्मिटीज़ है, कुछ एरियाज़ है जिसमें इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, या कुछ सजेशंस है या कुछ ऑब्जर्वेशंस है, वो निकाल के फिर उसको कंप्लीट करवाते हैं। और नेक्स्ट जो रहता है वो एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो सर्टिफिकेशन बॉडी आके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में करती है, क्लॉजेस की सारे रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो रहे कि नहीं हो रहे, एविडेंस सबके मिल रहे कि नहीं मिल रहे, लिंकेज चेक करते हैं, और अगर उसमें उनको कुछ भी गैप्स मिले तो उसको जो है वो आपको ऑडिट के रिपोर्ट में मेंशन करके दिया जाता है, जिसको आपको रिव्यू करके कंप्लीट करना रहता है। और इसमें जो है वो पॉइंट्स दो दिए जाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए रहते हैं। तो ये सारी कंसेप्ट ऑडिट में कवर होती है। अभी ये QMS बेसिकली हमने देखा है जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में हम सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, तो इनका ये रहता है कि अरे एडवांटेज क्या है इस QMS को इम्प्लीमेंट करने में, हमें फ़ायदा क्या है। ठीक है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, या फिर आप बता रहे हो कि प्रोसेस कवर होता है, लेकिन इसका हमें क्या एडवांटेज है। तो जितने भी लोग सिस्टम लवर्स हैं तो इनके लिए तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सर्टिफाइड होना ISO के लिए। तो प्रॉपर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है अगर आपने इम्प्लीमेंट किया आपके कंपनीज में, तो बिजनेस में इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। इवन जो इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं किसी भी बिजनेस में, वो स्मॉल बिजनेस रहे या आपका बिग बिजनेस रहे, आप अगर छोटा सा शॉप भी चला रहे हो लेकिन आपके सप्लाई मीन्स आपके जो कस्टमर्स हैं वो बड़े हैं, तो उन लोगों से भी कभी कभी ये रिक्वायरमेंट्स आती है कि आप सर्टिफाइड हो जाओ। उसमें क्या है, फिर पॉजिटिव इफेक्ट आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसका आना शुरू हो जाता है। मार्केट के शेयर्स जो भी है वो उसमें आप इन्वेस्ट ये कर सकते हैं। इवन सेल्स के आपकी ग्रोथ जो है वो विजिबल ग्रोथ वहाँ पे दिखनी शुरू हो जाती है। सेल्स में आप मार्जिन रख सकते हैं, या एडवांटेज जो है बिजनेस का वो कंपेटिटिव हो जाता है, और लिटिगेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। ये एकदम विजिबल एडवांटेजेस QMS से मिलते हैं। और अगर दूसरा पार्ट अगर हम देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन तो रिक्वायर्ड रहता है, बट इसमें डॉक्यूमेंटेशन जितना भी करना पड़ता है, तो इसके बेसिस पे अगर आपको आगे जाके और भी कुछ मीन्स आपके बिजनेस को ग्रो करना है, या फिर आप इसको आप एक्सपोर्ट लेवल में लेके जाना चाहते हैं, या फिर अगर हम कहेंगे कि फॉरेनर कस्टमर है आपके, या फिर आप उसको फ्लो करते जा रहे हैं मीन्स एक जगह से लेके अभी आप दूसरी जगह भी ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं, तो इसमें इसके एडवांटेजेस बहुत जो विजिबल है वो दिखते हैं, और इसका कस्टमर जो है बेनिफिट ले सकता है। दूसरा अगर हम देखेंगे कि बाय असेसिंग देयर कॉन्टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन डिफाइन हु इज़ अफेक्टेड बाय देयर वर्क ऑब्जेक्टिव, मीन्स इसमें ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो डिफाइन किया जाता है, उसी को मॉनिटर किया जाता है। तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आपकी बिजनेस फॉर एग्जांपल अभी आपका कुछ स्मॉल बिजनेस है जिसमें आप एक स्मॉल प्रोडक्शन करें, एक दो ही मशीन है आपके पास और उसमें प्रोडक्शन चल रहा है, बट अभी आप सोच रहे हैं कि इसको ग्रो करना है और इसको एक्सपोर्ट लेवल पे लेके जाना है या मार्केट में उसका नाम करना है, तो नाम करने के लिए तो आप इसी लेवल पे रहेंगे तो उसमें कुछ फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। तो सर्टिफिकेशन जब भी आप सर्टिफाइड होने के लिए आप जाते हैं तो इसमें आके यहाँ पे जब भी चेकिंग करते हैं तो कस्टमर जो है वो बेसिकली बिलीव करता है कि आपके यहाँ पे कुछ सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहे कि नहीं हो रहे। वो कहाँ से दिखता है, अगर आप ऑन टाइम डिलीवरी की जिनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, या उन्होंने जितने भी रिक्वायरमेंट्स आपको दिए थे क्वालिटी के कुछ पैरामीटर्स दिए थे तो उसको आप फुलफ़िल कर रहे कि नहीं कर रहे। दूसरे आप सप्लायर कौन से सप्लायर से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, या फिर वो आपका कितना जो क्वालिटी पे कितना इफ़ेक्ट कर रहा है, और वो आगे जाके जब भी आपका प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं या उसमें कुछ कंप्लेंट्स आ रहे हैं, ये सबको कवर किया जाता है। और उसी पे डिपेंड रहता है कि वो कस्टमर आपको आगे जाके ऑर्डर देगा कि नहीं देगा। तो QMS में ये सारी कंसेप्ट को कवर किया जाता है। दूसरे जो है कि आप उसमें कस्टमर जो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप फोरकास्टिंग करके भी आप इसको मीन्स आप सेटिस्फैक्शन जब भी लेवल आप चेक करने जाते हैं कस्टमर्स का, तभी उसमें कस्टमर आपको कुछ लिख के देता है कि आपका ये होना चाहिए, मीन्स ऑन टाइम डिलीवरी में थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा,
आपकी क्वालिटी अच्छी है, बट अगर इतना इतना प्रोडक्शन होने के बाद देखेंगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, या फिर आप इससे से भी अलग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। तो उनके एक्सपेक्टेशन लेवल को कंप्लीट कर करके आप जब भी बिज़नेस को ग्रो करने जाते हैं तभी इस QMS की ज़रूरत आपको पड़ती ही पड़ती है। और जब भी हम कस्टमर को फर्स्ट रखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को कंसिस्टेंटली कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने पे ही फोकस रखते हैं, तो उसके बे ये जो कंप्लीट मींस आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, और उनके जो रिपीटेड अगर कुछ कंप्लेंट्स आ रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये ऑर्डर वापस आना चाहिए, या फिर आपको न्यू क्लाइंट्स मिलने चाहिए, या फिर आपका बिजनेस है वो अगर ग्रो करना चाहिए, तो इसके लिए कुछ सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम और देखेंगे तो जो वर्क एफिशिएंसी है, जितने भी आपने इन्वेस्ट किया है या किसी मशीन को लाके दिया है, तो उसमें एफिशिएंसी मिलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कुछ लेबर रखे हैं या कुछ वर्कर रखे हैं या आपके साथ असिस्टेंट रखे हैं, तो उनका भी जो है पूरा आपको बेनिफिट मिलना ज़रूरी है। वो कितना काम करे, अगर आपने उनको 8 घंटा काम दिया है और आपको लगता है कि ये इतना इतना काम उनका 8 घंटे में कवर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, हो सकता है कि उनको कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हो सकता है कि उनको कुछ ट्रेनिंग नहीं है या वो उसके लिए कैपेबल नहीं है, तो ये सारा आप देखेंगे कैसे? एक आदमी को तो ये देखना, और ये कौन से सिस्टम से आप उनको देखने जाएंगे? तो QMS में ये सारे कंसेप्ट जो है वो कवर होती जाती है, जिससे कि आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस में, तो उसका आपको पूरा मुनाफा मिले, आपको पूरा सेटिस्फैक्शन मिले, और आपका कस्टमर आपसे खुश रहे, आप जो भी सर्विस उससे प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको आप कंप्लाई कर सके। नेक्स्ट आता है कि स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए भी QMS आपको हेल्प करता है, और आप न्यू मार्केट को एक्सपांड कर सकते हैं। मीन्स आप अगर अभी मुंबई में आपका प्रोडक्शन हो रहा है तो आप उसको पुणे में लेके जाना चाहते हो, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गुजरात में भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप एक जगह से जाके दूसरी ब्रांच अगर वहाँ पे ओपन करने जाएंगे तो आप सिस्टम को मेंटेन कैसे रखेंगे, आपकी प्रोडक्ट को क्वालिटी को मेंटेन कैसे रखेंगे? तो इसके लिए आपको QMS बहुत ही हेल्प करता है, जिससे आप यहाँ पे जो सिस्टम मेंटेन रखते हो सेम कंसेप्ट आपको वहाँ पे लेके जाने के लिए इजी हो जाती है। तो ये जो विजुअल हम कहेंगे कि बेनिफिट्स QMS से मिलते हैं जितने भी लोग सर्टिफाइड होते हैं। तो अभी इसमें सर्टिफिकेशन कैसे होता है? तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको शॉर्ट में ISO कहा जाता है, ये डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफाइड नहीं करती है। तो इसमें कुछ सर्टिफिकेशन बॉडी को, वो लोग जिसको एक्रीडिएटेड बॉडी कहा जाता है, तो एक्रीडिएशन बॉडी डिफरेंट रहती है और सर्टिफिकेशन बॉडी डिफरेंट रहती है। जो सर्टिफिकेशन बॉडी है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आके ऑडिट करती है और रिक्वायरमेंट्स जो भी है स्टैंडर्ड के फुलफ़िल हो रहे कि नहीं हो रहे उसको वेरीफाई करती है। अभी जब भी आपको चार्जेस पे करने रहते हैं, अगर आपको सर्टिफाइड होना है तो इसमें जो भी चार्जेस पे करने रहते हैं, तो दोनों के चार्जेस इंक्लूड करके ही नॉर्मली कस्टमर को कोटेशन आता है। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो 9001 का सर्टिफिकेशन अगर आप लेने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें जैसे कि मैंने कहा कि सारे प्रोसेसेस को कवर किया जाता है आपके जितने भी साइट्स है, अगर आपके मल्टीपल साइट्स है तो आप इसको एक ही में कवर कर सकते हैं, आपके अगर अलग अलग सर्विसेस है तो आप उसको स्कोप में कवर कर सकते हैं, और वो बेनिफिट आप उठा के ले सकते हैं। मीन्स अगर आपका यहाँ पे वर्कशॉप है और आपका ऑफिस अगर दूसरी जगह पे है, तो आप एक ही सर्टिफिकेट में दोनों को कवर कर सकते हैं, वो बेनिफिट आपको जो है वो सर्टिफिकेशन बॉडी देती है। और इसमें कुछ नॉन कन्फर्मिटी ऑब्जर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट ये मैनेजमेंट को दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो भी उन्होंने गैप्स निकाले हैं अगर कंपनीज उसको फुलफ़िल करती है, जो भी मीन्स फिजिबल है, जो अगर पॉसिबल है उस रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना, तो इसको कंप्लीट करके अगर आप आगे मूव होते रहते हैं तो फिर आपकी जो सेल्स ग्रोथ है वो बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ने लगती है। और ये सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको एक बार अगर आप सर्टिफाइड हो गए तो वो 3 साल के लिए वैलिड हो जाता है, 3 साल के बाद फिर उसका रिन्यूअल आ जाता है। तो इस बीच में हर साल उसका सर्वेलेंस ऑडिट भी किया जाता है।
तो ये जो जब भी आप सर्टिफाइड होने जाएंगे तो ये सारी कंसेप्ट जो है वो आपको समझाई जाती है। अभी कौन से कंट्री जो है वो ISO को यूज़ कर रही है, तो इसमें यहाँ पे मैंने टॉप मोस्ट कंट्रीज़ बताए हैं। ऐसे इसको छोड़ के और बहुत सारी कंट्रीज़ है जो इसका बेनिफिट उठा रही है। तो इसमें फर्स्ट आता है चाइना है, इटली है, जर्मनी है, जापान है, इंडिया में भी बहुत सारे जगह पे इसका यूज़ होता है, UK है, स्पेन है, US है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और कोरिया, रशियन फेडरेशन भी है और कोरिया, इतने सारे जो टॉप मोस्ट कंट्रीज़ है जो ISO 9001 को यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को ग्रोथ करने के लिए। तो इसमें लेकिन अगर कोई चीज़ को आप लेने जाओगे और वो चीज़ थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी तो लोग क्या है अपना नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। इसमें कुछ ऐसे है कि क्रिटिसिज्म भी ISO 9001 के सर्टिफिकेशन पे हो रहा है, तो कॉमन क्रिटिसिज्म अगर देखेंगे तो लोगों को लगता है अरे वेस्ट ऑफ मनी है, इसमें क्या है पेपर वर्क ज़्यादा रहता है, मनी जाता है, आपका टाइम भी बहुत जाता है और इसमें इम्प्लीमेंट करना इतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट्स बहुत सारे हैं। या फिर ये देखेंगे मीन्स कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है कि इनको सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, सिर्फ इनको क्या है कि ऑर्डर लेने के लिए, नए नए ऑर्डर लेने के लिए इनको दीवार पे टांगने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए और इसके लिए वो ISO 9001 का बेसिक सर्टिफिकेट है ये 9001:2015 जो नया सीरीज है उसका एक वॉल पे टांगने के लिए ले लेते हैं और कुछ इम्प्लीमेंटेशन वगैरह नहीं होता है, उनका ही राज चलता है। लेकिन जब भी ऑडिट होता है तभी ये लोग फिर डॉक्यूमेंट कैसे कैसे अरेंज करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके लिए लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये इसमें डालना मतलब कुछ फ़ायदा है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होने वाला है इस, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि पेपर काला करने का काम है या फिर इसमें टाइम बहुत जाता है, कौन आदमी को रखेगा, कौन मॉनिटर करेगा, किसके पास इतना टाइम है। लेकिन अगर आप रियली अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सेल्स ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं या आपको लग रहा है कि आपका जो कस्टमर है उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाना, उसके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं तो QMS आपको इस केस में बहुत ही हेल्प करता है। लेकिन इसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस भी आते हैं, तो लिमिटेशन तो फर्स्ट शुरू होता है सीनियर मैनेजमेंट से, तो उनकी जो कमिटमेंट है मॉनिटरिंग करने की, कंट्रोल करने की या क्वालिटी को इम्प्रूव करने की, वो अगर उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी तो ये QMS उतना हेल्प नहीं कर पाता। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आपको लग रहा है जेन्युइनली तो इसमें हेल्प भी करना पड़ता है, मीन्स सीनियर जो मैनेजमेंट है उसके इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी इसमें होना वो बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि तो ही आपके नीचे जो काम कर रहे जितने भी आपके स्टाफ से तो उनको इंटरेस्ट बना रहेगा। सेकेंडली लिमिटेशन ये आता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो इसमें क्या रहता है, एक्चुअल प्रैक्टिस उनकी अलग रहती है और यहाँ पे दिखाने के लिए अलग रहता है, तो दो दो तरीके की प्रैक्टिस उनके यहाँ पे चलती रहती है, ऑडिटर को दिखाने के लिए अलग और उनकी जो एक्चुअल प्रैक्टिस चलती है वो अलग, तो इसमें आपको QMS हेल्प नहीं कर सकता। थर्ड होता है कि कस्टमर का जो भी एक्सपेक्टेशन है या उनके इंडस्ट्रीज़ के एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफ़िल करना वो, या फिर उसको इम्प्रूव करना और उसको कंटिन्यू रखना वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जमता है, तो इसमें भी लिमिटेशन आ जाता है। और फोर्थ अगर इसमें लिमिटेशन ये है कि ऑडिटर जो भी पॉइंट्स देता है या गैप्स निकाल के देता है तो इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है कभी कभी तो वो अंडरस्टैंड नहीं होता है, जो अगर उनको ट्रेनिंग ही नहीं रहेगा मीन्स इसका अवेयरनेस ही नहीं रहेगा कि वो क्या बता रहे हैं, तो फिर वो जैसे फॉरेन लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज अगर कोई बड़बड़ बड़बड़ करते जाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसने क्या बोला है, तो लोग क्या करते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उनको जितना समझे उसी बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, तो फिर जो एक्चुअल गैप से उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो हमारी शिव कंसल्टेंसी जो है वो बेसिकली ये QMS को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है। अब तक हमने 200+ ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प किया है, हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सिस्टम को रियली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करके उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ा के कंसिस्टेंसी रख रहे हैं,
जो है इम्प्रूवमेंट में, और इवन कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है उस पर भी उनका फोकस है, जिससे उनको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो शिव कंसल्टेंसी से अगर आप ये बेनिफिट लेने चाहते हैं, और अगर रियली आपको लगता है कि आपका जो भी बिजनेस है वो मार्केट में ग्रो करे और आपके सिस्टम जो है इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन आए, अगर आप जो आपके स्टाफ है उनसे आप वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे या उनका एफिशिएंसी मॉनिटर नहीं कर पा रहे, आपने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है लेकिन उसका आपको जो रिटर्न है वो उतना नहीं मिल रहा है, और आप एक्सपोर्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आप ये बेसिक जो है 9001:2015 से सर्टिफाइड होके फिर आपकी जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप हमसे कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ कॉल कीजिए, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे हमारा वेबसाइट का भी जो है www.shivconsultancy.org.in या आप हमारे वेबसाइट है उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं, और आप हमसे सर्विस ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।